हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर एक नई वीडियो के साथ। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन प्लस के बारे में। जी दोस्तों, वन प्लस की तरफ से एक नई वाला स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है वन प्लस 11R 5G। जी दोस्तों, ये इंडियन टॉप 5G फोन है जो कि वन प्लस की तरफ से लॉन्च होने जा रहा है। सो दोस्तों, ये जो फ़ोन है इसका प्राइस है 38,999, लगभग 40,000 है। तो अंडर 14,000 में इसमें आपको जो फीचर देखने को मिल जाता है, ये फ़ोन एक्चुअल में आपको परचेज करना चाहिए या नहीं, सबको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो दोस्तों, मैं हूँ विक्यान, आपको स्वागत करता हूँ और एक नई इंटरेस्टिंग टेक न्यूज के साथ। तो आइए बात करते हैं वन प्लस 11R 5G के बारे में। सो दोस्तों, इसमें आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा वो रहेगा एंड्रॉयड V13 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये फ़ोन काम करेगा। इसका जो परफॉर्मेंस है, काफ़ी एक्सलेंट परफॉर्मेंस इसमें दिया गया है, जो कि क्वालिकम स्नैपड्रैगन 80 प्लस जनरेशन, जो कि फर्स्ट जनरेशन दिया गया है। ऑक्टोकेयर 3.2 GHz सिंगल कोर, 2.75 GHz ट्रिपल कोर, 2.0 GHz QR कोड दिया गया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है। इसके साथ इसका जो वेरिएंट है वो है 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें डिस्प्ले थोड़ा एवरेज दिया गया है, इतना भी अच्छा नहीं बोल सकते, जो कि इसमें आपको 6.74 इंची का डिस्प्ले, जो कि सुपर फिलुडी अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 1240x2772 पिक्सल रेगुलेशन के साथ। इसके साथ आपको 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, बेजललेस विथ पंच होल डिस्प्ले इसमें दिया गया है। रियल कैमरा जो है काफ़ी अच्छा कैमरा दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 50MP वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, 80MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2MP माइक्रो कैमरा आपको देखने को मिलेगा, LED फ्लैश देखने को मिलेगा बैक साइड में। इसके साथ 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि 4K तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा। फ्रंट कैमरा भी अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि 16MP वाइड एंगल लेंस दिया गया है। 32MP कर देता तो और भी अच्छा होता, लेकिन इसमें 16MP वाइड एंगल दिया गया है। फुल HD 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें कर सकते हो। बैटरी लाइफ की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा बैटरी यूज किया गया है, जो कि 5000mAh का लार्जेस्ट बैटरी यूज किया गया है, जो कि 100 सुपर वोल्ट सी चार्जिंग USB टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। जनरल की बात करें, ऐसे नॉर्मल फीचर तो सभी फ़ोन की तरह इसमें SIM 1 नैनो, SIM 2 नैनो देखने को मिलेगा, 5G सपोर्टेड इन इंडिया देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, इसका प्राइस के हिसाब से फ़ोन लगभग सही है, लेकिन आपको अच्छा लगे तो आप इसको खरीद सकते हो। डिजाइन वगैरह तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा डिजाइन इसमें देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, ये था वन प्लस 11R 5G के बारे में माई ओपिनियन। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और एक बात दोस्तों, ये जो फ़ोन है ये कल से उसका सेल स्टार्ट होने वाला है, जिन लोगों को परचेज करना है तो कर सकते हो। सो दोस्तों, इसी फ़ोन के बारे में रिव्यू था, आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इस तरह से नया नया जानकारी मिलता रहे। सो दोस्तों, रहती हूँ, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।